अभी सब्सक्राइब कीजिए माई टेक सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आप तक पहुंचा सकें लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेस्चर मैजिक एप्लीकेशन के बारे में। आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि गेस्चर मैजिक एप्लीकेशन को पहले से ही यूज कर चुके होंगे, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम अपने फोन के काफी सारे फीचर्स को बहुत ही क्विक यूज कर सकते हैं। मतलब हम इस एप्लीकेशन का यूज करके अपना काफी सारा टाइम बचा सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में हमें कुछ गेस्चर को क्रिएट करना होगा, उसके बाद हम उनका यूज करके अपने फोन को काफी जल्दी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा गेस्चर मैजिक एप्लीकेशन काम करता है। तो सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर पे और यहाँ पर सर्च कर लेते हैं गेस्चर मैजिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गेस्चर मैजिक एप्लीकेशन हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने गेस्चर मैजिक प्रो एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको अब ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप चाहें तो गेस्चर मैजिक जो फ्री एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप प्रो वर्जन एप्लीकेशन को भी परचेज कर सकते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करते हुए भी गेस्चर मैजिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ से इस एप्लीकेशन को अब ओपन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गेस्चर मैजिक एप्लीकेशन अब ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर अब हमें ये एक मैसेज दिखा रहा है जो कि व्हाट्स न्यू है, क्योंकि अभी इस एप्लीकेशन का ये लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पर जो भी अपडेट होके आया है तो वो यहाँ पर हमको अब शो हो रहा है। तो चलिए यहाँ से अब हम इसको ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं आपको एक सर्किल नजर आता होगा जो कि काफी हद तक ट्रांसपेरेंट है। तो इसी सर्किल की मदद से हम काफी सारे गेस्चर का यूज कर सकेंगे। तो चलिए फिलहाल मैं इसको एक साइड में करता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ गेस्चर को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपको प्लस का बटन नजर आ रहा है, तो चलिए यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देते हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम ओपन एप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब जो भी हमारा एप्लीकेशन है, तो जिस भी एप्लीकेशन को हम गेस्चर के थ्रू ओपन करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। साथ ही यहाँ पर स्विच सिस्टम सेटिंग आ रहा है, ओपन इंटरनेट एड्रेस, लॉक स्क्रीन और यहाँ पर क्विक कॉल एंड क्विक एसएमएस भी ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पर सबसे पहले ओपन एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम अपने उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको भी हम क्विक ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ से जैसे कि मैं मान लेता हूँ मुझे चाहिए कैमरा, कि मैं कैमरे को गेस्चर से ओपन करूँ। तो चलिए यहाँ से हम कैमरे पर क्लिक करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ड्रॉ योर ओन गेस्चर ऑन द पैनल। तो यहाँ पर आपको अब एक गेस्चर को ड्रॉ करना होगा। तो चलिए यहाँ पर जैसे कि कैमरा है तो यहाँ पर मैं सी को ड्रॉ कर देता हूँ। आप चाहें तो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम 3 times किसी भी गेस्चर को क्रिएट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम डन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 1 गेस्चर ऐड हो चुका है जो कि ओपन कैमरा है। तो हम कैमरे को अगर ओपन करेंगे तो उसके लिए हमको गेस्चर सी को ड्रॉ करना होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे। और मेन स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आपको राइट साइड में एक सर्किल नजर आ रहा है जो कि हमारा गेस्चर सर्किल है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमको सी ड्रॉ करना होगा, जो भी हमने अपने गेस्चर में ड्रॉ किया था वर्ड या फिर कुछ भी कोई पहचान जो भी हमने इसमें ड्रॉ की थी वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैं सी को ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कैमरा ओपन हो चुका है। तो चलिए यहाँ से कैमरे को अब हम क्लोज करते हैं और चलते हैं अपने गेस्चर मैजिक एप्लीकेशन में और यहाँ से कुछ और गेस्चर को अब ऐड कर लेते हैं। तो फिर अब हम यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमें क्विकली लॉन्च करना है। तो यहाँ से इस बार मैं COC गेम को ले लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर अब मैं जो गेस्चर क्रिएट करूंगा तो वो इसके हिसाब से क्रिएट कर देता हूँ। मैं केवल यहाँ पर एक टिक का निशान लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं राइट टिक ड्रॉ कर देता हूँ। तो नेक्स्ट करेंगे इसको, फिर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर अब हम डन पे क्लिक कर देंगे। और अब चलते हैं हम अपनी मेन स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमारा जो COC गेम है वो भी गेस्चर से ओपन होता है या नहीं ओपन होता है। तो फिर वही हम सर्किल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम राइट टिक को ड्रॉ करेंगे
और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा COC गेम लॉन्च हो चुका है। तो इस तरह से हम जितने चाहें उतने एप्लीकेशन लॉन्च पे गेस्चर को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अब आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर और हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो फिर वही हम अब प्लस पे क्लिक करेंगे, इस बार हम स्विच सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जो कि हम इसमें से कोई भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे भी हम गेस्चर को सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं किसी भी गेस्चर को क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अब आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि और हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो फिर हम प्लस पे क्लिक करेंगे और इस बार मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ओपन इंटरनेट एड्रेस, तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हमको जो भी वेबसाइट को लॉन्च करना है तो वो यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ www.google.com, उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। और इसके लिए अब हम जो गेस्चर यूज़ करने वाले हैं वो होगा जी, तो यहाँ पर अब हम जी को ड्रॉ कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट कर देते हैं और अब डन कर देते हैं। और चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो इंटरनेट ब्राउज़र है वो कैसे ओपन होता है और हमारा गूगल किस तरह से उसमें लॉन्च होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर सर्किल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर अब हम जी को ड्रॉ कर देते हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गूगल वेबसाइट भी ओपन हो चुका है। इसी तरह से आप यहाँ पर ओपन रिसेंट टास्क को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्विक कॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने क्विक SMS पे भी आप गेस्चर को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम राइट साइड में जो 3 डॉटेड नज़र आ रहे हैं यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट गेस्चर सर्विस है तो यहाँ से अगर हम इसको चाहें तो डीएक्टिवेट कर सकते हैं या फिर एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है गेस्चर ड्रॉअर, इसमें हम कस्टम गेस्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम जो भी हमारा सर्किल है उसकी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, और उसकी साइज़ को भी हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। साथ ही हमें यहाँ पर स्टिकी टू स्क्रीन एज का ऑप्शन मिलता है, इनेबल गेस्चर ऑन बूट का ऑप्शन मिलता है, और ये एप्लीकेशन हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर को भी सपोर्ट करता है अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है तब। इसके अलावा यहाँ पर हमें लास्ट में एक और ऑप्शन मिलता है जो कि है अनइंस्टॉल ऐप। अगर आपको ये एप्लीकेशन ठीक ठाक नहीं लगता है तो यहाँ से आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।